नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ देव शंकर। आज हम बात करेंगे माँ और बाप को लेकर। एक माँ अपने बेटे को किस तरीके से चलना सिखाती है, तो वही उनका पिता उनके बेटे की हर एक जिम्मेदारी पूरा करता है, जिनको लेकर वो आगे भविष्य में कुछ बन सके। लेकिन वही बेटा जब आगे भविष्य में कुछ बन जाता है तो अपने ही माँ बाप को वो समझता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद लखनऊ की, जहाँ पर एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया, जहाँ पर एक माँ बाप को जो कि विकलांग है, उनके बेटे ने एक साल पहले घर से निकाल दिया। माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते हुए वापस एक साल बाद आए और अपने घर के सामने ही धरने पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मामला जनपद लखनऊ का, जहाँ पर एक वृद्ध विकलांग माँ बाप अपने घर के सामने, उन्होंने अपने घर को बड़ी मेहनत से बात बनाया है, जहाँ पर उन्होंने अपने घर को खून पसीने की मेहनत से बनाया, जहाँ पर वो आज अपने घर के बाहर ही रोड पर बैठने के लिए मजबूर और लाचार है, बेबस है। तो उनका बेटा निकलता है और उनको सौ गालियाँ देता है और भगाने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन माँ बाप हालत देखी वो आज धरने पर बैठे। तो यहाँ 10 दिन बाद उनका धरना जारी रहा। आज उनकी माँ की तबीयत बिगड़ी, लोगों ने, प्रशासन ने अभी तक किसी प्रकार की उनकी कोई भी मदद नहीं। आइए देखते हैं हमारे विशेष संवाददाता ये स्पेशल रिपोर्ट। जहाँ एक तरफ माँ बाप अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, उनकी हर जरूरतों को वो पूरी जिम्मेदारी से पूरा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में, जब उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह उन्हें लाचार और बेबस दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं ऐसा ही एक मामला सामने आया है लखनऊ का, जहाँ एक विकलांग बूढ़ी माँ और बाप अपने ही बच्चों से अपना हक मांगने के लिए अपने ही घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि आज 10वें दिन भी विकलांग माँ का घर के सामने डिवाइडर पर धरना जारी रहा। वहीं आज सुबह लड़के ने अपनी माँ को सैकड़ों गालियां देते हुए भगाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि माँ ने खाना पीना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई है। वहीं लड़के और बहू ने विकलांग माँ और बाप को दिसंबर 2018 को ही घर से बाहर निकाला था, तब से वे इधर उधर भटक रहे हैं। वहीं 3 अप्रैल से माँ ने घर के सामने डिवाइडर पर धरना प्रदर्शन दिया है। मालूम हो कि गोमती नगर के विकास खंड 1 मकान नंबर 676 में निवासी उर्मिला वाजपेयी व उनके पति उमाकांत वाजपेयी को दोनों बेटों और बहुओं ने बुढ़ापे में माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, लखनऊ। चौतीस लोकसभा मोहनलालगंज सीट से भाजपा उम्मीदवार कौशल किशोर जी ने नवीन भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया तथा भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुनाव के तहत मोदी जी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और बताने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि आयोजक अवधेश अवस्थी कमल तथा पूर्व जिला मंत्री संदीप शुक्ला की उपस्थिति में भाजपा उम्मीदवार कौशल किशोर ने थाना चौराहा मोहना रोड इटौंजा पर नवीन भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया तथा बैठक के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर संपर्क साधने के लिए भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि SP BSP गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार पर अपनी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जनता में वोट के खातिर लोग नोट भी बांट रहे हैं, पैसे लुटाने वाले लोग चुनाव जीतने की भरकस कोशिश कर रहे हैं, पर जनता भोली नहीं है, वह सब जानती है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अपने अपने बूथ पर कड़ी मेहनत करें, जल्द ही अच्छा रिजल्ट हम सभी के सामने होगा। इस मौके पर अवध प्रांत के अध्यक्ष सुरेश तिवारी, क्षेत्रीय महामंत्री दिनेश दत्त तिवारी, सक्रिय कार्यकर्ता आलोक पांडे, रमेश तिवारी, अवधेश प्रताप सिंह, आलोक त्रिवेदी, अतुल मिश्रा, ब्रजेश सिंह, अनुराग अवस्थी, सुधाकर अवस्थी, अंजनी मिश्रा, गिरधारी दीक्षित, राजेंद्र शुक्ला, दीपक शुक्ला, तिरंगा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। टीवी वन इंडिया के लिए आशीष दीक्षित की रिपोर्ट, इटौंजा, लखनऊ।
लखनऊ में दिनांक 12 अप्रैल को सुबह करीब 3:45 पर डायल 100 द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि जिला बाराबंकी हाईवे से कुछ लोग ट्रक लूटकर लखनऊ की तरफ भाग रहे हैं। वहीं सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मड़ियांव थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने थाना क्षेत्र की सभी पुलिस व पीआरवी को अलर्ट करते हुए वाहनों की चेकिंग करवाना शुरू कर दिया। साथ ही चंद्रढाल पर चौकी प्रभारी अजीज नगर व चौकी प्रभारी छठा मील मैफोर्स व पीआरवी के साथ चेकिंग कर रहे थे कि तभी इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से ओवरब्रिज होते हुए एक ट्रक तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। वहीं इस पर फुर्ती से पुलिस ने रोड ब्लॉक करके ट्रक को रोक लिया तथा ट्रक को ट्रक लुटेरे के साथ मौके पर ही पकड़ लिया। वहीं मौके से लुटेरे का एक साथी भागने में सफल रहा। वहीं पकड़े गए लुटेरे के नाम पूछने पर लुटेरे ने अपना नाम मौसम पुत्र मोहम्मद आरिफ निवासी बाकीपुर थाना कुंदरकी जिला मुरादाबाद बताया तथा ट्रक से भागे लुटेरे साथी का नाम मुस्तफा निवासी बगरौआ थाना कुंदरकी जिला मुरादाबाद बताया। वहीं पुलिस ने एक ट्रक मौसम की तलाशी लेने पर एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर का बरामद किया। साथ ही क्षेत्राधिकारी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि लुटेरे अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं से मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया था तथा सराहनीय कार्य के लिए मड़ियांव थाना अध्यक्ष व चौकी प्रभारी अखिलेश कुमार व चंद्रकांत यादव सहित संयुक्त टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए रोहित उपाध्याय की रिपोर्ट, लखनऊ। रायबरेली के तहसील लालगंज में ग्राम पीर मोहम्मद में आग लग जाने से 1.5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि दिनांक 11 अप्रैल को सुबह लगभग 10 बजे जीवन लाल यादव अपने महुआ के पेड़ के नीचे पत्तियों को इकट्ठा कर आग लगा रहे थे। इतने में एक चिंगारी पड़ोसी वैजनाथ पुत्र लल्लू निवासी ग्राम बहाई तहसील लालगंज थाना लालगंज के गेहूं के खेत में जाकर चिंगारी गिरी, जिसके कारण वैजनाथ की लगभग 1.5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। जब गांव वालों को इसकी जानकारी मिली तब ग्रामवासियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन पर सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, नहीं तो 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर अभी तक राख हो गई होती। व्याकरण की बात करें तो किसान के फसल के नुकसान को अभी तक सरकार ने किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की कोई भी सहमति नहीं दिखाई है। वही देखना यह है कि किसान की खून पसीने की कमाई जलकर राख होने की वजह से क्या सरकार उनके लिए कोई ठोस कदम उठाती है, किसान के हित में कोई सहानुभूति सरकार की तरफ से दी जाएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम घनश्याम सनाप श्री बैनाथ ग्राम बहाई। आपके खेत में आग लगी, कब लगी, कैसे लगी? कल लगी, 1.5 बीघा खेत था और महुआ की पत्ती जलाने के टाइम जीवन लाल यादव पत्ती जला रहे थे और हमारे खेत में आग लगी। अच्छा, कितना नुकसान हुआ? 1.5 बीघा खड़ी फसल। अच्छा, खड़ी फसल थी जिसमें सब जलकर राख हो गया। सब जलकर राख हो गया। ठीक है, दमकल की गाड़ियां भी आई थी? जी जी आई थी, लेकिन जब तक पूरी फसल जल गई। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए तहसील संवाददाता दिलावर हुसैन की रिपोर्ट, लालगंज रायबरेली। जनपद रायबरेली से बड़ी खबर, जहां पर पुजारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को आखिरकार न्याय मिला। हम बात कर रहे हैं रवि जनपद के ऊंचाहर तहसील की कटोरा बुजुर्ग गांव में बीपी मौर्य। 2 जनवरी को मंदिर के गेट पर पुजारी की लाश फंदे से लटकी मिली थी, जिस पर कार्यवाही स्थानीय विधायक मनोज कुमार पांडे व मोनी बाबा के कुछ ग्रामीण की हत्या की आशंका जताई थी। वहीं इस मामले में पुजारी की जमीनी विवाद के चलते पीएम मोदी और उनकी पत्नी सहित लगभग आधा दर्जन लोगों ने हत्या में शामिल होने के आरोप थे, जिसके मुख्य आरोपी ने हाईकोर्ट के सली और माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में विवेचना स्थगित की गई। वहीं जांच की हत्या के बजाय आत्महत्या किया गया, जिसमें सभी आरोपी को न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। वहीं हत्या की साजिश, पीएम मोदी ने बताया कि इस हत्या के आरोप में उन्हें दोषी करार करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए, आखिरकार न्यायालय द्वारा उनको न्याय मिल गया। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे स्थानीय नेता, जिन्हें जनता अपने अच्छे कार्यों के नेतृत्व के लिए चुनौती देती है, आज उन्हीं के नेतृत्व में निर्दोष लोगों को फंसाने का पूरी तरह से प्रयास किया गया। ऐसे में समझ सकते हैं कि क्या जनता ऐसे नेताओं का नेतृत्व करके राजनीति जैसी बड़ी मोदी की कुर्सी देना उचित होगा। बीएन मौर्य ने बताया कि मनोज पांडे के द्वारा साजिश रची गई थी, जो कि ऊंचाहर के विधायक है। 2 जनवरी को जो घटना झूठे तैयार की गई है, ये एक सोची समझी रणनीति थी। इसमें मनोज पांडे सपा के विधायक और मौनी बाबा की सोची समझी रणनीति थी, जिसके तहत उन्होंने कूट रचना करके
एक झूठी FIR लिखाने का काम किया। ऐसी कूट रचना में साजिशकर्ता विधायक शामिल थे और उनके कुछ करिंदे शामिल थे। इसकी लड़ाई को न्यायपालिका में लड़ी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने इसको बखूबी वहाँ से निर्देशन दिया और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन पर विवेचना उच्च स्तर पर कराई गई, जिसका परिणाम हुआ कि हम सभी निर्दोष साबित हुए। ये सब माननीय न्याय व्यवस्था का परिणाम है। अन्यथा ऐसा साजिशकर्ता विधायक जो कि एक प्रतिनिधि जनता के सुख दुख के लिए प्रतिनिधि चुना जाता है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा प्रतिनिधि जो कई मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने की तरह तरह की साजिश करता है, वो एक ऐसा प्रतिनिधि मुझे नहीं लगता कि जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए। वैसी साजिश इस घटना में की गई, हमारे पूरे परिवार के साथ की गई। और इस घटना को जब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया, माननीय उच्च न्यायालय ने इसको यहाँ की पुलिस जो दबाव में थी और मनोज पांडे के दबाव से न्याय नहीं दे पा रही थी, निष्पक्ष विवेचना नहीं कर पा रही थी, इस निष्पक्ष विवेचना को जब माननीय उच्च न्यायालय ने स्थानांतरित किया तो वहाँ उच्च स्तरीय निष्पक्ष विवेचना हुई, जिसमें हत्या होना नहीं पाया गया और हम सभी लोग निष्पक्षपाती हो गए। इसीलिए लोग उत्साहित हैं, चूँकि यहाँ की जनता इस विधायक के एक षड्यंत्र से, झूठे आरोप से, कूट रचना से फंसाए जाने की साजिश से सभी जनता में एक क्रोध था, आक्रोश था, उस पर विजय हुई है। न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, जिससे सभी लोग आए हैं। और इस TV1 इंडिया न्यूज के लिए अमरीश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, रायबरेली।